बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, बलूचिस्तान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है, उस पर बात करेंगे, जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है। देखें, रिसोर्सेज तमाम के तमाम रिसोर्सेज जितने भी हैं, ऐसे के रिसोर्सेज वो तमाम स्केर्स रिसोर्सेज हैं। स्केर्स रिसोर्सेज में सादा अल्फाज में आपको बता दूँ, वो रिसोर्सेज जिनकी ज़रूरत ज़्यादा हो और वो ख़ुद उनकी अवेलेबिलिटी कम हो। तो पानी का जो एक शॉर्टेज है और पानी का जो लेवल है वो इस हद तक जो पहुँच चुका, इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक हद तक, और मज़ीद भी कम हो रहा है। और बारिशें अगर हम एवरेज देखें तो पिछले साल मैं समझता हूँ कि एक दो बार बारिशें हुई हैं, तो बिल्कुल इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक लेवल तक, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जा सकते हैं। अच्छा, हम आते हैं, देखें ऑस्ट्रेलिया में तकरीबन जो पाकिस्तान पे एक्सटर्नल कर्जा है, इससे इसका 2.5 टाइम वो हमेशा कार्बन टैक्स के नाम से। कार्बन टैक्स ये है कि मतलब अगर वो कोई गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई मतलब किसी चीज़ का वो किराया भी देते हैं, तो उसमें अगर ऑयल है, मतलब फ्यूल जो भी हो, जिस टाइप का भी हो, गैसेस यूज़ होते हैं, उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वो क्या नाम है, खारिज होती है कार्बन डाइऑक्साइड उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड के खारिज होने की वजह से जो माहौल को नुकसान पहुंचता है वो उसी पर टैक्स लेते हैं। अच्छा, वो नुकसान को टैकल कैसे करते हैं, उसी टैक्स को कंज्यूम करते हैं फॉरेस्टेशन में, उसी टैक्स को वेरियस ग्रीनरी और दरख्त लगाने में, जो मतलब अगर दरख्त को वाटरिंग करने के लिए जो सहूलियात हैं वो इस पर खर्च करते हैं। बाकायदा तौर पर हर साल ऑडिटेड इनका हिसाब भी होता है। तो 2.5 वो तकरीबन बनते हैं लगभग मोर देन $300 बिलियन। तो इसका खर्चा वो हमेशा हर साल 2018 में तकरीबन नोनी के खर्चा करा है। तो ये एक ऐसा खर्चा है जो मतलब एक बार हो जाता है, फिर बार बार नहीं करना पड़ता। अच्छा, हम आते हैं अपना हम किस सिचुएशन पे हैं, क्या क्या मतलब हमारी अपनी क्या पोजीशन है। देखें, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली हम दोनों इस चीज़ के लिए लायबल हैं। ये मतलब हम दोनों की वजह से, हमने काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करा है। सिर्फ नेचर पे हम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना डालें, बिकॉज द रीज़न इज़ हम स्टिल यहाँ पे द पश्तनो तजमा ख्वास दी दुई तरव सपूर लल तो गोभी करी गोबाई दी लाच सुरातर सिनोर दा रकम तशान दिस आगा न द उबो इस प्लानिंग और तस्ता न बल सस्ता घट घट चराई उत डी की और ब्याज सुरातर से दुई कम उबच जाया कर जे द दे उबो तकरीबन यौ गोबाई सीधी दा मतलब प्लानिंग बन सी कि 60-60 लीटर उबा वाले, लेकिन दल तु धोल सौ लीटर उबा एवरेज दाखल गोई से धोल सौ लीटर उबा जाए गई खुदाई तो गोरी दे देश डेर ज्यादा ख्याल वस आते सबाब द चन उबा नहीं दा द उबो लेवल सी पर कम सतर से दल दे दे जिम्मेवार मुझ हर कस खलम यू कम कस उर्दू सर नखला सी पश्तो मुझ दा और दवाई ख्वास तुर तक सी द देश डेर ज्यादा ख्याल वस आते आओ क द दुई पसुमर सुमर हम द दुई प हद के राजी कई कस दा कवल ऐसी सिजमा पवस की सलोर दरख्ती दी सलोर दरख्ती दे वो लगी कई कस दा कवल सिजमा पवस की जर दरख्ती दी जर दरख्ती दे वो लगी द घट जिहाद घट सदका घट सदका जारिया घट खैरात नन दाग दिज मुश प बलूचिस्तान सिम की दा बढ़ेर घट खैरात भी सि द्रे द्रे दरख्ती वो लगी और दो बोए मामूली जमीन और तबराबर है कि लजा दरख्ती घट की बिकॉज इट्स द मैटर ऑफ सर्वाइवल। यहाँ ज़िंदगी की दौड़ चल रही है लिटरली, बिकॉज मैं ऑलरेडी मैंशन कर चुका हूँ कि कलेक्टिवली भी कोई इतना बड़ा काम नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट लेवल पर हम देख लें, कोई हमारे पास इतने बड़े डैम्स नहीं हैं, इतने वाटर स्टोरेज नहीं है, और रही बात कोई मतलब हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी डैगिंग नहीं हुई कि हम उसमें पानी स्टोर कर सकें, इतने बड़े बड़े बैरियर्स उन्होंने नहीं बनाए। ऑब्स्टिकल अगर वो बना लेते हैं तो हमारा पानी रोक जाता कहीं पर भी, चूँकि हमारा पहाड़ी एरिया है, दो साइडों से पहाड़ियाँ हों और एक साइड को आप कवर कर लें तो मतलब एक डैम का शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। क्योंकि अब ये कोई प्लानिंग हुई नहीं है, करप्शन के बेसिस पर भी मतलब अगर हम उन चीज़ों में तो खैर नहीं जाते हम, लेकिन फिर भी अगर मैं बता दूं तो अपना पानी जितना भी है, अगर एवरेज हमने पिछले मरतबा देखा भी एक ही बार बारिश हुई है, और बारिश में भी वो फाइव मिनट मेरे ख्याल में एवरेज टाइम है बलूचिस्तान में, तो 5 मिनट में पूरा साल नहीं गुजारा जाता। और फिर उसके बावजूद अगर वो पानी यहाँ पर स्टोर होता फिर भी एक बात बनती, अब ये पानी सारा के सारा पंजाब चला जाता है, यहाँ पे कोई स्टोरेज हाउस कोई स्टोरेज वाटर स्टोरेज नहीं है और कोई डैम वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मतलब हम पूरे सूबे में देखें जिसमें इसकी ज़रूरत है उससे 10 गुना ज़्यादा यहाँ पे उससे 10 गुना कम डैम यहाँ पे बने, स्टोरेज बने, यहाँ पे डिगिंग है बहुत ही मतलब ना होने के बराबर है। तो
ये कलेक्टिव बेसिस है। अगर बंदा कलेक्टिवली भी इसको प्रोसीड कर सकता है, इसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो ये है कि आपको कंट्रीब्यूशन दें, जो मतलब आप सदका और खैरात आपके जितने भी हैं वो लोगों के दें, गवर्नमेंट के अपने अपने, या स्पेशली जो यहाँ पे पश्तूनख्वा में उन्होंने एक हशर के नाम से एक स्ट्राइव्स, उन्होंने कोशिशें उन्होंने स्टार्ट करी है, वो दरख्त लगा रहे हैं और दरख्तों के लिए पानी का ज़मीना भी सेट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि इस लेवल पे एक सबसे बड़ा बड़ा खैरात सदका और जिहाद है ये लिटरली, बिकॉज यू गाइज आर सेविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स। ये सिर्फ इंसानों की जिंदगियां नहीं बल्कि यहाँ पे रहते हुए जितने भी चौपाए हैं, यहाँ पे जितने जानवर हैं, जितने परिंदे हैं, उन सब की हम जिंदगियां स्टेक हुए, वो तमाम हम बचा रहे हैं इस टाइम तो। और ये तो कलेक्टिव बेसिस है, इंडिविजुअल बेसिस पर हम ये कोशिशें कर सकते हैं। मैंने बताया भी था कि अगर एक बंदे से हो सके उसके बस में हो, दो दरख्ते लगा के, तीन लगा के, चार लगा के, अगर किसी के बस में हो उसके पानी का ज़मीना सेट कर दे, अगर किसी के बस में ये हो कि वो ड्रिप पाइपलाइन सिस्टम सेट कर से, ये बहुत ही मिनिमम कंट्रीब्यूशन से हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। और मज़ीद ये जो सोलर सिस्टम उन्होंने हमने लगाए हैं यहाँ पे, मतलब कोई रेगुलेशंस, कोई रूल्स नहीं है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इसके लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस बनाए, और जो वाटर यूजेज है, जो पानी का इस्तेमाल है, वो भी लिमिट कर दे। बिकॉज यहाँ पे अपने एरिया में, मैं चूँकि जा रहता हूँ, मैंने अपने एरिया में देखा, पहले बहुत बड़े बड़े बागात हुआ करते थे और ग्रीनरी हुआ करती थी, यहाँ पे अब वो सब कुछ मतलब ख़त्म हो गए, ढेर के ढेर रह चुका। द रीज़न इज़ कि वहाँ पे ये लोग गरीब हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, चूँकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं इस हवाले से, और जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने सोलर सिस्टम वगैरह लगा के बस डिगिंग करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वो पानी निकालते हैं धड़ाधड़। कोई मतलब स्टोरेज वो नहीं है, कोई यूजेज लिमिट नहीं है, मतलब वो मतलब औरों का भी सारा पानी उन्होंने कंज्यूम करा है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगाए, और हम इंडिविजुअली भी ज़रा अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाएं। देखा पश्तनोसी में तजमा ब्याय वार ख्वास थी खुदाई तो गोरी प्रदेश लर फोकस वार कई सबाब ब्याता सुदुशन पोबार यानी आस्ता कदे उखा सकज द्वे दरख्ती लगवाई सी वदी लगे कदे उखा सकज जर दरख्ती दाग दो बो जमीन और बराबर वाले सी बराबर है देखे नो दाव डेर लुई गट जिहाद भी दाव डेर तरगुर दा अफजल कोशिश भी द इंसानियत द पारा द दे खल गो दे गर्द सी में द पारा ब्या द दरख्त कम शाइस्त वाले सीधे दा जफिकर कौम چې دا د قدرت وایت شایست دی چې پر هغه باندې یو کمپرومایز هم نشي کېدی. نو خدای دې کسې موږ ته پر دې ټولو خبرو باندې موږ خپل هم کوشش وکړو، او تاسو هم پر دې شي کنوینسس هستئ زما د خبرو چې تاسو هم خپله ودې شي ته لاس راوړنې راوړئ. تھینک یو.